Assalamualaikum. My name is Mohammad Azhar Riaz. I am from BS Economics 8th A, and I am here to present my presentation topic, investment analysis. So we can see we are given 5 years, 1, 2, 3, 4, 5, and stock A and stock B. So हमने इसमें देखना है स्टॉक ए एंड स्टॉक बी को देखते हुए हमने एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम एरिथमेटिक मीन देखते हैं. एरिथमेटिक मीन का हमने हमें फॉर्मूला जो है वो हम देखें, एवरेज एवरेज सम ऑफ स्टॉक ए. तो ये देखें, ये हमने ऑलरेडी भी यहाँ पे इसका आंसर किया हुआ है, और अब हमने दोबारा इसको कैलकुलेट किया है कि एरिथमेटिक मीन हमारे पास इस तरह से आता है, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो स्टॉक बी का भी आ सकता है. जैसे एवरेज एवरेज सम ऑफ स्टॉक बी. तो इस तरह से हमने एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है. और नेक्स्ट है जी जियोमेट्रिक मीन. जियोमेट्रिक में ये हम स्टॉक ए जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है स्टॉक बी की निस्बत, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू स्टॉक ए की वैल्यू स्टॉक बी की वैल्यू से ज़्यादा है. अच्छा, अब हम जियोमेट्रिक मीन को देखते हैं. जियोमेट्रिक मीन ये देखें, इसको हमने इस तरह किया है, जैसे इनका सम, और ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास इसका सम आ गया. तो इस तरह हमने जियोमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर दिया है. इसमें स्टॉक बी का भी हमने इसी तरह किया है. हम ये यहाँ पे देख सकते हैं, देखें कि इस तरह हमने जियोमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर दिया. अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को करते हैं इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ईवीपी. तो हम इसको स्टॉक ए को जो है वो सम करते हैं. सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ स्टॉक ए. तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू आ चुकी है, और इसी तरह हम स्टॉक बी को फाइंड आउट करते हैं. स्टॉक बी में हमने देखना है कि इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ईवीपी सम ऑफ स्टॉक बी. तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट कर दिया है. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू स्टॉक बी ज़्यादा आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि मतलब हाई रिस्क हो सकता है स्टॉक ए में स्टॉक बी की निस्बत. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्स वाई जी एक कंपनी है, उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है और प्रोबेबिलिटी भी दी गई है. तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है? हमने इसको इस तरह फाइंड आउट करना है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वहाँ से फिर हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमें जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा. तो ये हम देख सकते हैं. और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कंपोनेंट्स इन्वेस्टर लुक फॉर रिक्वायर्ड रिटर्न. यानी एक इन्वेस्टर जो है वो क्यों करता होता है एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़ देखता है उसमें एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है. तो उसमें सबसे पहले दी फंड्स का टाइम्स आर कमिटेड. तो फंड्स टाइम वो कंपनी के फंड्स को देखता है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो अपना जो प्राइजेज हैं, जो वो प्रोडक्ट्स के प्राइजेज हैं, उनमें क्या इन्फ्लेशन, क्या प्राइजेज उनकी इंक्रीज हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, उनको देखता होता है. और थर्ड है दी अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, और उनकी रिस्क प्रीमियम को देखता होता है. तो
इस हवाले से वो इसमें इन्वेस्ट करता होता है। और सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि डिस्कस द लिक्विड एंड इलिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दे रेफर टू एसेट्स डेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यानी लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलिक्विड एसेट्स क्या है? इलिक्विड एसेट्स आर एसेट्स दैट रिक्वायर अ लॉन्गर पीरियड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी इलिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम जो है वो कैश में इजीली कन्वर्टेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एसेट्स इंक्लूड रियल इस्टेट इक्विपमेंट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वट हैपन्स टू इनकम स्ट्रीम ऑफ कंपनी वैन इट्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 35% टू 55%। यानी एक कंपनी ने जो है वो लोन पेमेंट 35% से 55% मैक्सिमम तक हासिल कर लिया है, तो इसमें क्या इफेक्ट आ सकते हैं? उसमें इंक्रीज इन इनकम, एक तो उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी एज द फाइनेंशियल लेवरेज हैज इंक्रीज दिस मीन्स द फ्यूचर प्रॉफिट्स कैन इंक्रीज टू विच कैन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। जो यानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इसमें तो उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं फ्यूचर में। और हाइयर रिस्क प्रीमियम है, और ये जो है हाइयर रिस्क प्रीमियम है एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन रिस्क। दिस कैन लीड हाइयर रिस्क प्रीमियम चेंजेस बाई इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर के लिए जो है वो लीड है कि हाइयर रिस्क प्रीमियम चेंज उसे मिलेगा और इम्पैक्ट ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। विद द राइज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस पेमेंट्स देयर इज अ पॉसिबल ऑफ रिडक्शन रिड्यूस्ड डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल अनसर्टेनिटी इन फोर्थ कमिंग पेमेंट्स। इम्पैक्ट उसका यानी रेट ऑफ रिटर्न पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो बता रहा है हमें कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज होगा पेमेंट्स का, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, और डिविडेंड्स जो इन्वेस्टर्स का होगा अनसर्टेनिटी फोर्थ कमिंग पेमेंट्स होगा। तो हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो प्रेजेंटेशन थी ये कंप्लीट हुई। सो थैंक यू सो मच।